वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। आज हम पंचायत टावी गुरसाई स्टॉप पे हैं, जहां पे दो रोड एचएस मुरी गुरसाई से मोड़ा के नाम पे एक बड़ी स्कीम के तहत नबार्ड के अंदर रखी गई, जिसको यहां के हमारे साबिक एमएलए मेंडर जनाब जावेद राणा साहब ने उसकी शुरुआत करवाई, 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए। लेकिन हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के गोश गुजार करना चाहते हैं कि आप इस मामले के ऊपर तहकीकात करें कि आखिर वो 6 करोड़ रुपया इस रोड का किस जगह पे लगा है, जिस पे आगे चल करके 45 लाख रुपए का एक मरतबा टेंडर होता है, दूसरा टेंडर 43 लाख के अंदर जिसकी बीटी करना मकसूद थी। लेकिन इतनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ना इस सड़क के ऊपर बीटी हुई, ना इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बजरा पड़ा, और इसका पैसा कहां पे गया हम नहीं जानते। इसकी इंक्वायरी करना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जिम्मेदारी है। अगर बीटी का पैसा रखा गया था, उसका टेंडर लगा, 2 साल मुसलसल इसके ऊपर जद्दोजहद करने के बाद भी इस रोड के ऊपर बीटी नहीं की गई। लेकिन अब सुनने में आया है कि इसकी बीटी का पैसा भी विड्रॉ कर लिया गया है। वो किन लोगों ने किया है, इस इलाका के अंदर किस डिपार्टमेंट के लोग थे, इसकी नुमाइश करके पेमेंट की है, हमें नहीं पता। लेकिन हम यह चाहते हैं, क्या बीटी के अंदर पैसा निकाला गया है या किसी दूसरे तरीके से इसका घोटाला किया गया है। बिलखसूस ये तमाम नुमाइंदगान, पंच साहिबान, इस इलाका के सरपंच साहब और ये अवाम गुरसाई, ये मुतालबा करती है कि हमें सड़कों पे उतरने से पहले आपकी टीम इस इलाका के अंदर पहुंचनी चाहिए। यहाँ एक घोटाला नहीं हुआ है, अगर इसकी इंक्वायरी करेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ घोटाले सामने आएंगे कि लिफ्ट स्कीम का काम सरपंच के एनओसी लिए बगैर ही अगर उसके बिल बन जाते हैं तो बताइए किसकी मिलीभगत से ये पैसा निकल रहा है। कानून ये कहता है कि जो भी लिफ्ट स्कीम है, जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इन तमाम प्रोजेक्टों का चेयरमैन मुतलका सरपंच होता है। लेकिन न जाने किस चोर दरवाजा से पेमेंट करके किस तरीके से घोटाला कर लिया जाता है और नुमाइंदगान को पता ही नहीं होता, और पूछने पर आपका एक जे यहां तक कह देता है कि जनाब यहां से ऊपर तक कमीशन जाती है, हमें कोई कमरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मुरी गुरसाई के अंदर एक स्कीम 4,80,000 में एक ट्रांसफार्मर रखा जाता है और दूसरा उसके साथ में हम 2.5 लाख में एक ट्रांसफार्मर रखते हैं। एक जो 2.5 लाख का ट्रांसफार्मर होता है उसका काम 2 लाख के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और दूसरी तरफ सेम ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाता है उसका 4,80,000 भी हजम कर लिया जाता है, और उसके साथ साथ 2 लाख के पोल भी हजम कर लिए जाते हैं। और जब जेई के बारे में कंफर्म किया जाता है तो पता चलता है जो मुतलका जेई है उसने उसका बिल नहीं बनाया, बल्कि डिपार्टमेंट जो कंट्रैक्टर है उसकी मिलीभगत से साइड से कोई जेई जो है का बिल बना करके यहाँ के लोगों को यह कहता है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि कमीशन नीचे से ऊपर तक जाती है। एलजी साहब आप हमें बताएं क्या आप भी कमीशन लेते हैं, चीफ इंजीनियर बताएं क्या आप भी कमीशन लेते हैं, अगर आप कमीशन नहीं लेते तो ये चोर बाजारी कौन कर रहा है। जो लोग ये बाबा के दौल कहते हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा क्योंकि हम तो कमीशन देते हैं, तो ये कमीशन की ही वजह है, इसकी वजह से इन सड़कों की ये हालत है। जिला पुंछ के जो डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर आए हैं बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर साहब आपने चारों अतराफ जो इंक्वायरियों का सिलसिला शुरू किया है और जितने भी घोटाले आपने सामने लाए हैं, हमें उम्मीद है आप यासीन चौधरी साहब इसकी इंक्वायरी करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप हमें सड़कों पर उतरने से पहले इसकी इंक्वायरी करेंगे ताकि इस आवाम को इंसाफ दिया जा सके। आज मजबूरन हमें जो है इस रोड पे आना पड़ा और हमारे पंच हजरात, सरपंच हजरात और हम सब मिलके जो है आज रोड पे आए। जैसे कि मियां शहराज अहमद अजरी साहब ने
सारी चीजें जो है वो तकरीबन बता दी हैं। मैं इनकी ताहिद करते हुए मैं बड़े अफसोस के साथ ये गवर्नमेंट इंतजामिया से जो है ये मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि एक तरफ से आप कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर से जो है क्राइम को खत्म कर दिया है, लेकिन आज मैं ये अफसोस से कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा अगर क्राइम कहीं पे हो रहा है तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। आज हमारी रोडों की कंडीशन को देखें, जो रोड हमारी 2002 से स्टार्ट की थी, हमारे एक्स एमएलए जनाब जावेद अहमद राणा ने जो है यहाँ पे पैसा रखवाया था, 6 करोड़ की स्कीम हमारी निवार्ड स्कीम के अंदर जो चल रही थी, उसके बाद हमारे एक्स सरपंच हाजी साहब ने यहाँ पे बड़ी मेहनत की, काफी एरिया को टच किया उन्होंने। मुझे ये नहीं पता कि किस डिपार्टमेंट के जेई ने या एई ने ऐसा किया, लेकिन यहाँ पे बिल निकलते रहे और ब्लैक टॉप का जो पैसा आया, मैं आज कैमरे वाले से गुजारिश करूंगा भाई से कि आप इस रोड का थोड़ा सा वीडियो दिखाएं कहां ब्लैक टॉप है। और हम ये मुतालबा करते हैं कि डी साहब से, बिलखसूस मैं डी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि इतने अच्छे ऑफिसर हो आप, मैं चाहता हूं कि मेरी गुरसाई एरिया का, हमारी पंचायत का, चाहे मूरी हो चाहे गुरसाई टामी हो, इनकी विजिट करें आप आके, यहां के काम काज को देखें क्या कंडीशन बना के रखी है। तमाम डिपार्टमेंट के लोगों ने ऐसे पैसा निकाल के जो है हजम कर दिया है। और आज के इस मौके पर मैं बिलखसूस ये गुजारिश करूंगा गुरसाई से ना मोड़ा तक जो रोड है हमारी, इसकी जल्द से जल्द विजिट की जाए। पठाना तीर गुरसाई रोड जो है उसकी विजिट की जाए, और इसके बिना एनओसी के बिना जो बिल हमारे निकले हैं या ब्लैक टॉप का पैसा निकला है, तो हम ये चाहते हैं कि पूरी जो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और आज के इस मौके पे मैं एक और गुजारिश करूंगा कि तमाम हमारे पंच, हमारे जितने लोग हमारे गुरसाई टामी के, उनका मुतालबा था कि हम इस रोड का जो है वो नाम जो है शेर गुरसाई के नाम पे रखना चाहेंगे। जल्द से जल्द यहाँ पे एक बोर्ड जो है वो लगाएंगे ताकि इस रोड का नाम जो है वो शेर गुरसाई के नाम पे रखा जाए। और ये आज के इस मौके पे मैं बिलखसूस हमारे बड़े भाई मियां शहराज अहमद अजरी साहब ने सारी चीजें जो है वो वाजे कर दी हैं, तो मैं इनकी ताहिद करते हुए मैं सिर्फ यही इतनी गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस रोड की इंक्वायरी हो। तो खास तौर पे मैं आज जावेद अहमद राणा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने जिस टाइम हमें सोच नहीं थी उस टाइम में इतना बड़ा पैसा रखवा के ये रोड निकाल के दी थी। और अफसोस ये हो रहा है आज कि हमारे रियासत जम्मू और कश्मीर के जो सियासी निजाम था वो खत्म हो गया और उसके बाद हमारी ये कंडीशन होने लगी, इस पे हमें अफसोस आता है। तो मैं, मेरा लास्ट यही पैगाम रहेगा हमारे बिलखसूस डीसी साहब से कि जल्द से जल्द आप एक टीम को जो है वो यहाँ पे भेजें ताकि इंक्वायरी हो के हमारी, तो हमें ये कम से कम हमें विश्वास हो कि हमारा पैसा कहाँ गया है। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हक लेने के लिए अगर वो कहीं पे आवाज उठाने के ये बाहर आए हैं, तो मैं ये चीज चाहता हूं कि आवाम जब किसी काम पे अड़ जाती है तो वो गवर्नमेंट की मजबूरी बनती है कि उसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। आज आप लोग इस रोड की इंक्वायरी के लिए सामने आए हो, तो इंशाअल्लाह मैं तन मन जान लगा के इस रोड की इंक्वायरी करवाऊंगा, जितना भी ये क्राइम हुआ है इसका सामने लाएंगे।